<laughs> कहां तक हुआ था चलो ये हो गया था क्या नहीं हुआ था यहां तक हुआ था पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था फ्लोरसेंट पदार्थ कैल्शियम टंगस्टेट होगा तो कैसा रंग देगा नीला और अगर मैग्नीशियम टंगस्टेट होगा नीला टू सफेद देगा जिंक सिलिकेट होगा तो हरा देगा कैडमियम बोरेट होगा तो गुलाबी देगा यही ना बात है यह सारा कलर का चला कॉम्बिनेशन है जो आपको याद करना है जिसमें हमने कहा था कैल्शियम टंगस्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जिंक सिलिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही बोले थे तो चला जी हम बोले थे आपको ये भी कि अगर किसी भी ट्यूबलाइट का जो रंग होता है किसी भी ट्यूबलाइट का जो रंग होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है उसमें भरी हुई गैस पर और प्रतिशील पदार्थ के लेप पर याद है वोल्टेज अप डाउन, अप डाउन करेगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा बोलो पक्का फ्लोरसेंट पदार्थ जो है वो क्या करता है परावेग्निक किरण को दृश्य प्रकाश में बदल देता है परावेग्निक को किस में बदलता है दृश्य क्लियर है यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के चलते हैं इधर फ्लोरसेंट ट्यूब में उत्सर्जित परावेग्निक किरण को अवशोषित करके करने तथा तो भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब में आंतरिक सतहों पर फ्लोरसेंट पदार्थ की क्या चढ़ी होती है ये हम पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में कि आंतरिक सतह पर फ्लोरेसेंस पदार्थ की परत चढ़ी होती है प्यारे बच्चों अभी आपका एक टेस्ट हम बोले थे लेंगे इलेक्ट्रिशियन का माइंड टेस्ट ठीक है जिसका मटेरियल ऑलरेडी बन चुका है और उपलब्ध भी हो चुका है मटेरियल कुछ इस फॉर्मेट में होगा ठीक है और कुछ इस तरीके का मटेरियल होगा जैसे अगर आप ट्रांसफार्मर का पूरा रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं ठीक है एक बार आप रफली देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और इसको कंप्लीट इस, को, पढ़ने के बाद, इस को कोई स्टाफ है क्या नीचे इस मटेरियल को जब चला आप पढ़िएगा तो पढ़ के अब फिर इसी मटेरियल का एग्जाम भी देना है आपको ठीक है हम एग्जाम के लिए आपको जब बुलाएंगे उस टाइम आपको आना है और आके एग्जाम देना है इसको चला पहले चार से पांच दिन में पढ़ के खत्म करना है ठीक ना जब आप पांच दिन में इसको पढ़ लोगे तो आप बहुत आसानी से इसका टेस्ट देकर आप अपने मार्क्स को सिक्योर करोगे और इचला कंप्लीट रिवीजन का एक साधन है चला ये मटेरियल आपको उपलब्ध मिलेगा नीचे और इस मटेरियल को अभी ले जाना है आज तो मंगलवार है ना इसको ले जाके मंगल बुध बृहस्पत शुक्र पढ़ना है एक बार आप इसको पढ़िए और हम भी थोड़ी मदद आपकी कर देंगे ठीक ना नहीं तो नहीं हो पाएगा चला मैथ नहीं है रीजनिंग नहीं है साइंस नहीं है टेक्निकल है तो एक बार आप इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद हम भी आपकी थोड़ी सी मदद कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसका एक सौ क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे इसने इतने मेटेरियल से इससे बाहर नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा और फिर उसी का टेस्ट आप दीजिएगा और अपने टेस्ट में मार्क्स सिक्योर कीजिएगा और ये आप ये कि इस सब टेस्ट देने से आपको फायदा क्या होना है फायदा ये होना है मेरे दोस्त कि आने वाले एग्जाम में आप आंख मूंद के किसी एग्जाम में बैठिएगा और 90 परसेंट स्कोर कर पाइएगा अगर 15 टेस्ट भी ऐसा ऐसा आप दे देते हैं 90 परसेंट स्कोर आप कर पाइएगा अगर 15 टेस्ट आप दे पाते हैं तो और इस टेस्ट का जो इसका फी है जो इसका जिराक्स का पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा वो आप नीचे पे करेंगे और टेस्ट का जो फी होगा वो दस रुपया होगा ठीक है और दस रुपया भी नहीं इस टेस्ट का फी मात्र हम पांच रुपया रखे हैं मात्र पांच रुपया में आकर के आप टेस्ट दे सकते हैं ठीक है लेकिन सिर्फ वो बच्चे जो हमारे यहां पढ़ रहे हैं आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड ठीक है तो पांच रुपया में आप ये टेस्ट दे देना है और दस रुपया में ये मटेरियल आपको उपलब्ध मिलेगा ठीक है तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस टेस्ट से जुड़ करके खूब लाभ उठाइएगा और आने वाले एग्जाम में अपना नाम दर्ज कीजिएगा जो लोग ऑनलाइन वाले छात्र हैं ऑनलाइन वाले जो भी छात्र हैं ऑनलाइन वाले आप क्या करेंगे आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे ये मटेरियल ऑलरेडी वहां उपलब्ध मिलेगा मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे वहां मटेरियल मिल जाएगा और इसका जो टेस्ट होगा

आइए जो मेटेरियल है ऑनलाइन वाले टेलीग्राम चैनल पर ले लेंगे और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको नीचे ये मटेरियल उपलब्ध मिल रहा है दस रुपया में आप इस मटेरियल को लेके जाएंगे हो सकता है चला इसमें एक दो रुपया कम या ज्यादा होगा कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा क्योंकि चला एग्जैक्ट तो होना संभव नहीं है और छह आठ रुपया भी लेना संभव नहीं है तो इसलिए कभी बारह रुपया ग्यारह रुपया होगा तो दस रुपया ले लिया जाएगा कभी आठ रुपया होगा या नौ रुपया होगा तो दस रुपया लिया जाएगा ये हम पहले कहते हैं ऐसा नहीं कि पेज गिन के कहना मास्टर बेमानी कर लिया एक टका ना इतना घटिया दिन मेरा चला नहीं आ गया तो हमारे बेमानी करके हम अपना काम करें मेरा कलम चलता है हम अपने कलम से सेटिस्फाइड है ठीक है पढ़िएगा आपको समझ में आएगा जिसको नहीं समझ में आएगा चला उसको पढ़ने की कोशिश करनी है कम नंबर आएगा यही ना होगा अरे नंबर कम आएगा और क्या हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या नंबर कम आएगा फिर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ठीक है चैप्टर वाइज नहीं है भाई वाइज है मेटीरियल नहीं डिस्कशन नहीं होगा इसका इसका हम इसका कुछ जुगाड़ सोच रहे हैं पहले ले जाके तुम पढ़ो ना पहले इसको ले जाके पढ़ो और फिर हम बतियाएंगे की मामला है ठीक है पहले एक बार ले तो जाओ तब कल ना रिव्यू लेंगे थोड़ा तो से की देखा क्या समझा क्या समझ में आया कहा दिक्कतें हुई फिर उस पर बात करेंगे जहां होगा हम मदद करने की कोशिश करेंगे ठीक है और रूम खाली है नीचे हम उसे मिली देवरिया से वो चलवा भेजा है देखो इधर आते हैं फ्लोरसेंट ट्यूब में पारा निम्न दाब पर होता है कि उच्च दाब पर पहले भी हम बोल चुके हैं दिष्ट धारा पर फ्लोरसेंट का प्रचालन कौन धारा पर चला डीसी पर किस पर अब कहता है डीसी पर जब प्रचालन कीजिएगा तो इसमें एक प्रतिवर्ती स्विच का प्रयोग करते हैं कौन स्विच का चला इसमें एक प्रतिवर्ती स्विच का प्रयोग करते हैं जो बदलता है डीसी को एसी में इस प्रकार के संयोजन में चौक के श्रेणी में एक क्या लगा दिया जाता है प्रतिरोध देखिए जब डीसी पर आप कोई ट्यूब को चलाना चाहते हैं तो यह जो चौक के श्रेणी में एक क्या लगा देते हैं यह चौक है ना इसके श्रेणी में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जो करंट को कंट्रोल करता फिर कहता है चला चौक का कार्य है आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज देना चौक का काम क्या है आर्क प्रारंभ करने के लिए हाई वोल्टेज देना और हाई वोल्टेज जब दे देगा तो स्पार्क जनरेट होगा स्पार्क जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन गर्माएगा इलेक्ट्रॉन गर्माएगा बेरियम पेरोक्साइड गर्माएगा ये जो इस पर लेप लगा होता है बेरियम पेरोक्साइड गर्माएगा गर्माएगा तब ना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो आपको बिजली मिल जाएगी चौक का कार्य विद्युत धारा को उचित स्तर तक सीमित रखना भी है इसीलिए तो चौक लगा देते हैं तो एक लिमिट तक करंट को स्थिर रखा जाता है ना बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है तो अगर लिमिट तक स्थिर रखेगा चला तो बल्ब जो है जलेगा कि नहीं जलेगा जलेगा ना अब भुक चुक नहीं करेगा फिर कहते हैं ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाने पर क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा क्योंकि बार बार भुक चुक करेगा तो फ्यूज हो जाएगा बोलो नी फिर कहता है चौक क्वाइल शॉर्ट सर्किट करने पर लैंप क्या हो जाएगा बुझ जाए। चौक का जो जाएक है उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा तो लैंप क्या हो जाएगा बुझ जाए। फिर कहता है जलते हुए ट्यूब में अगर स्टार्टर हटा दिया जाए तो ट्यूबलाइट जलता रहेगा आप देखते होंगे जब गांव घर में कि ऐसे ऐसे करके स्टार्टर से स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको खुले छोड़ देते हैं तो चलते रहता है कि नहीं स्टार्टर का काम है खाली स्टार्ट करना स्टार्टर का काम क्या है लेकिन चला अगर चौक हटा लीजिएगा तो फ्यूज हो जाएगा चौक हटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा फ्यूज स्टार्टर का काम है सिर्फ स्टार्ट करना स्टार्ट करने के बाद आप स्टार्टर को हटा लीजिए, फिर भी वो जलते रहेगा मोटर में अलग स्टार्टर है चला यहाँ वो कैपेसिटर है वो दोनों स्टार्टर सेम नहीं है जैसे चला मोटर है ये क्या है ट्यूब है ट्यूब में क्या होता है हम बोले थे कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन का परत चढ़ा होता है बेरियम पेरोक्साइड का ई स्पार्क जब बार बार अप डाँण, अप डाउन डाउन होता गर्माता है है और के बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो स्टार्टिंग में जो गर्माने के लिए अप डाउन अप डाउन करना है वही काम स्टार्टर का है वहां जो स्टार्टर यूज करते हैं वो प्रारंभ में जो घूमने के लिए टॉर्क चाहिए ना वो देता है दोनों जगह स्टार्टर का अलग अलग काम है ठीक है नियोन लैम्प नियोन लेम्प कहा देखे आप इंडिकेटर में ये देखे चला टेस्टर में नहीं देखे हैं नियोन लैंप आप देखे होंगे चला टेस्टर में कहा पर टेस्टर में जो ये नियोन लैंप लगा होता है चला नियोन लैम्प का काम इसमें चला नियोन गैस भरा होता है कौन गैस भरा होता है टेस्टर में भी आप बोर्ड पर इंडिकेटर में भी आप देखे होंगे ये गुलाबी रंग देता है नियोन गैस भरिएगा तो गुलाबी रंग देगा ये देखे हो कहते हैं इसमें लाल गुलाबी रंग के उत्सर्जन के लिए कौन गैस भरी जाती है नियोन गैस अधिकतर टेस्टर में आप ही देखिएगा इसका प्रयोग इंडिकेटर में ये देखो टेस्टर में जो इंडिकेटर यहां लगा हुआ होता है जो जलता है तो पता चलता है कि बल्ब जल रहा है यहां पर लगा होता है इंडिकेटर के रूप में होता है टेस्टर में भी इसका उपयोग होता है इंडिकेटर के रूप में हम लोग मेन बोर्ड में भी इसका उपयोग करते हैं बोर्ड में देखे लाल गुलाबी रंग का जलता है तो हम लोग कहते हैं लाइन है नहीं जलता तो कहते हैं लाइन नहीं है चला नियोन साइन ट्यूब कहते हैं ये एक से पांच मीटर लंबाई में दस से बीस एम एम व्यास की कांच की एक नली में बनाया जाता है इस प्रकार के लैंप नियोन आर्गन पारा हिलियम इत्यादि गैस भरी जाती yeah. है इसकी चमक चला ज्यादा होती है नियोन साइन लैंप जो है इसकी चमक क्या होती है अधिक लेजर से थोड़ा ही कम चमक होता है इसका कहता है चला ट्यूब में प्रति मीटर लंबाई पर 900 से 1000 हजार बोल्ट की आवश्यकता होती है यानी एक मीटर में कितना बोल्ट 900 से 1000 हजार बोल्ट की आवश्यकता होती है न्योन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक बोल्ट नली की लंबाई पर मुख्य रूप से निर्भर करता है किसी भी ट्यूब के परिचालन के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है कम वोल्टेज वाला होगा तो कम लंबा होगा ज्यादा वोल्टेज वाला होगा तो ज्यादा लंबा होगा इसमें उत्पन्न रंग नली में भरी गई गैस पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें फ्लोरसिन पदार्थ तो होता नहीं है परत इसमें होता नहीं जो हम लोग चला जो इंडिकेटर में जो लैंप यूज बल्ब यूज करते हैं क्या उसमें परत चढ़ा होता है मरकरी के जैसा इसका मतलब इसमें निकलने वाला जो रंग है वो किस पर निर्भर करेगा गैस पर किस पर निर्भर करेगा यह नियोन साइन ट्यूब गैस विसर्जन प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित जितना भी चला ट्यूब है लैंप है सब तो गैस विसर्जन प्रभाव पर है गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होता है यही तो गैस विसर्जन प्रभाव है गैस विसर्जन प्रभाव क्या है गर्म होने के बाद किसका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वही ना गैस विसर्जन प्रभाव है फिर कहता है इसकी आयु कितना इसका कार्य सिद्धांत गैस विसर्जन प्रभाव पर आधारित है अभी कहिएगा सर गैस विसर्जन प्रभाव देखो जैसे टंगस्टन का फिलामेंट है इस पर एक परत चढ़ा होता है बेरियम पेरोक्साइड का इसमें करंट दिए करंट देने के बाद यह बेरियम पेरोक्साइड गर्म होता है गर्म होने के बाद यह इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो गैस में विसर्जन हुआ ना आयन का इसको गैस आयनीकरण प्रभाव भी कहते हैं या गैस विसर्जन प्रभाव भी कहते हैं बोले कहते हैं आर्कल्प आर्क लैंप आर्क आप देखे होंगे चला उसमें क्या बोलते हैं उसको प्रोजेक्टर देखे हैं अरे प्रोजेक्टर का लैंप देखे हैं प्रोजेक्टर नहीं देखे हैं लैंप वहीं लगल रहता है प्रोजेक्टर से देखो सिनेमा चल रहा है ना ये जो लाइट उधर से आता है वो लैंप से ही आता है कहते हैं इस प्रकार के लैंप का उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर आदि में किया जाता है से तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं कितने इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोडो इधर से होगा एगो उधर से होगा के बीच कितना डिस्टेंस 1.5 से 6 mm तक गैस रखकर आर्क उत्पन्न किया जाता है फिर कहता आर्क तथा इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बाह्य प्रतिरोधक द्वारा कभी भी चला विद्युत धारा के मान को प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं प्रतिरोध बढ़ा दीजिएगा धारा का मान घट जाएगा प्रतिरोध घटा दीजिएगा धारा का मान बढ़ जाए द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बैलास्ट कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं चला कहते हैं। इसकी दक्षता कितना पर वाट? पर वाट होती है ना हेलोजन लैम्प पहले यूज होता था अब तो सबका जगह एक चीज ले लिया एलईडी अब ना बल्ब है ना ट्यूबलाइट है ना वेपर लैंप है ना हेलोजन है सब खत्म हो गया अब सबका स्थान कौन ले लिया एलईडी हेलोजन लैंप का किनारा कांच का बना होता है किनारा कांचे का कांचे का ना बना ना हेलोजन लैंप लें होता है रे देखा है कि वह नहीं देखा हेलोजन इसलिए कहते हैं कि चला आप सुने होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हेलोजन है कहते हैं उसमें चला क्रिया गैस आर्गन नहीं भरा होता उसमें हेलोजन गैस भरा होता है कौन गैस भरा होता है इस लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ हेलोजन गैस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भरा होता है इसकी दक्षता कितना से कितना ये हेलोजन देखा है 25 से 35 ल्यूमेन पर वाट होता है इसे फ्लड लाइट लैंप भी कहा जाता है कौन लैंप कहा जाता है चला इसका दूसरा नाम है फ्लड लाइट लैंप इसकी दीवारें काली पड़ जाती कभी कभी देखता है हेलोजन जब फ्यूज हो जाता है दीवारें काली हो जाती बोले सॉरी काली नहीं पड़ती है बल्ब काला पड़ जाता है ट्यूब काला पड़ जाता है हेलोजन भी चला कभी कभी काली पड़ जाती है लेकिन मैक्सिमम नहीं पड़ता है इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि चला बहुत हाई वोल्टेज पर होता है उतना हाई वोल्टेज पर ही वाष्पीकृत नहीं होता गलिए जाता है ठीक है तो इसे हम फ्लड लाइट लेम्प भी कहते हैं टंगस्टन बताओ क्या देता है यहां टंगस्टन लगा हुआ है यह प्रकाश अधिक देगा और उषमा कम लेकिन जो नाइक्रोम है वो यहां लगा हुआ है ये ऊष्मा अधिक देगा और प्रकाश कम देगा ठीक है अब बल्ब के फूटने पर बल्ब के क्या करने पर अब चला कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बल्ब जब फूटता है तो उसके अंदर का प्रेशर कम रहता है कि ज्यादा अरे चोटा हम बोले थे प्रेशर जो होता है वो कम होता है बल्ब के अंदर निर्वात होता है हवो नहीं होता है तब बाहर में प्रेशर ज्यादा होता है अंदर में हम बोले थे पारा भी कम दाब पर भरा जाता है तो चला अगर एक अंदर का दाब कम होगा एक बाहर का दाब अधिक होगा तो अधिक से कम में हवा आएगा रे तब बाहर से अंदर हवा आएगा कि अंदर से बाहर जब बल्ब फूटता है तो आवाज करता है क्यों क्योंकि बाहर से अंदर हवा आता है क्योंकि अंदर का दाब कम की ज्यादा कहता बल्ब के फूटने पर आवाज होता है बाहर से अंदर हवा आने के ठीक है अंदर का प्रेशर कम की ज्यादा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ना आएगा बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है चला ये जो फिलामेंट लेते हैं हम ये फिलामेंट मुड़ा हुआ होता है ना इसे ऐसे 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 क्योंकि मुड़ने से फिलामेंट में उषमा का व्यय कम होगा लॉस कम होगा इसलिए इसे कुंडलीकृत क्वाइल के रूप में लपेटते हैं क्वाइल के रूप में लपेटते पर ना चला क्षेत्रफल कम होता है तो आपको गर्मी कम लगेगा और नहीं तो चला गर्मी ज्यादा लगेगा इसीलिए इसको क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं कि क्षेत्रफल इसका कम हो इसी को अगर आप खींच दीजिएगा ना तो इतना बड़ा है इसको खींच दीजिएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल ज्यादा होगा ज्यादा क्षेत्रफल में ना गर्मी छोड़ेगा आ काम तो चला उतने कर रहे हैं इसलिए इसको क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं कि इसका क्षेत्रफल हो जाए कम हो जाएगा तो गर्मी भी आपको देगा कि देगा कम की ज्यादा फ्लोरसेंट ट्यूब के दोनों सिरों पर इधर भी इधर भी कहे गो दू गो फिलामेंट होता है कि तीन गो गो एक 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 किसका कि ज्यादा प्रकाश देना है कहते हैं फ्लोरसेंट ट्यूब के दोनों सिरों पर लगे टंगस्टन फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड का परत चढ़ा होता है बताएं हम आपको ये जो फिलामेंट होता है चला इसके ऊपर बेरियम पेरोक्साइड का परत होता है बोला ने अच्छा बताओ चला ये जो जीरो वाट का बल्ब हम लोग कहते हैं 0 वाट का नहीं तो 5 से 7 वाट का होता है 0 वाट का बल्ब 0 वाट का नहीं होता है कितना वाट का होता है पांच से सात वाट का होता है कितना वाट का होता है चला तो मकान मालिक को समझाना कि जो हमको अंधेरे में रखते हैं आप जीरो वाट का बल्ब लगा के आपको लगता है कि बिजली का खपत नहीं करेगा उससे बढ़िया दस वाट का एलईडी लगा दीजिए क्योंकि सात वाट तो वह लेगा नहीं लेगा तीन वाट के चक्कर में चला अनहरिया में घूमते रहते हैं हम लोग नहीं पता चला हग रहे हैं कि धो रहे हैं पता नहीं चल रहा है पटना में सब मकान मालिक जो है जीरो वाट का बल्ब लगे ले। उसको लगता है ये बिजली खाता ही नहीं है उसको चला जाके बताओ कि कितना वाट का है पांच से सात वाट जीरो वाट का बल्ब कितनी बिजली खपत करेगा तथा जीरो वाट का विद्युत खपत पांच से सात वाट होता है फ्लोरसेंट ट्यूब में फ्लोरसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट होने पर कौन रंग देगा है यहां है जिंक सिलिकेट इसीलिए कौन रंग दे रहा है हरा तरंग दर्द को प्राय किसमें व्यक्त करते हैं सबको पता है तरंग दर्द का ही ध्यान रखिएगा चला इसका ऐसा ही होता है मीटर क्या होता है मीटर और इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है एंगेस्ट्रॉम और एक एंगेस्ट्रॉम बराबर तुझ द बुक लिख लीजिए कहीं पर खूब मेहनत करो चला द हिंदू में दे दिया है वैकेंसी के बारे में वैकेंसी कब कल का द हिंदू देख लेना वैकेंसी कभी भी आ जाएगा ये कौन बात पूछ दिया ये तो सब जानता तरंगदेद को से नोट करते हैं कुछ खड़ा हो गया नहीं पूछ देना है पढ़ता नहीं है तुम तरंगदेव को लम्डा से डिनोट करते हैं कौन नहीं जानत है तब इस जग में एक एक बच्चा जाना है आजकल नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है हो गया महाभिवीआई एम भी भी आए। हम लोग जो देखते हैं ना चला उस दृश्य प्रकाश का रेंज होता है उनचालीसौ से अठहत्तर सो एंगेस्ट्रॉम के बीच दृश्य प्रकाश का तरंग दर्द होता है जिसमें पचपन सौ एंगेस्ट्रॉम तरंग दर्द का प्रकाश मानव नेत्र के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है कितना का पचपन सौ का जो प्रकाश है वो मानव के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है जैसे आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील पीला कलर है कौन कलर में देखो जहां जहां पीला होगा तो चमकता हुआ दिखाई देगा जकर भी पीला होगा आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील पीला होता है हेलो क्या बोले आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीले रंग के प्रति होता है उसके बाद नीले रंग के प्रति वैसे सफेद भी ठीक है <laughs> लेकिन उतना बढ़िया नहीं है कहते हैं चला उनचालीस सौ से अठहत्तर सौ होता है दृश्य प्रकार महा भी, भी आए आंख कि, किसके प्रति अधिक संवेदनशील है पचपन हर प्रकाश का अपना अपना तरंग दर्द होता है किसी लैंप की दक्षता को किसमें महा भी भी आए ल्यूमेन पर वाट में व्यक्त किया जाता है किसी लैंप की दक्षता को किसमें व्यक्त करते हैं तापदीप्त लैंप में वायु रहित पर वाट में मापा जाता है तापदीप्त लैम्प अगर रहेगा तो उसको किसमें नापा जाता है वायु रहित आप समझ लिए किसी भी चीज को आप पर वाट में ही नाप सकते किसमें नापते हैं फिर कहता है तापदीप्त लिंप में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है बताओ तापदीप्त लिम्प में इसमें वायु रहता है क्या कांच का यह विक देखो क्योंकि यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने से रोकने के साथ साथ फिलामेंट पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से क्या करता है बचाता इसमें अगर वायु रहित कांच होगा का चला तो यह विकिरण विधि द्वारा कुछ तो रोकेगा लेकिन अगर आप हवा भर दोगे तो और ज्यादा रोक देगा अगर हवा मतलब हवा मतलब कौन सा नाइट्रोजन या आर्गन हवा नहीं नाइट्रोजन या आर्गन अगर आप भर दोगे तो ये और ज्यादा उष्मा का संचलन करेगा तो ये जल्दी जलेगा नहीं देवरिया से आप ही आए ना देवरिया से कोई है क्या आप हैं यहां आगे बैठ जाइए तब आ जाइए देवरिया देवरिया साथ हो जाएगा ये वो चलवा है लोको को पैलेट वही भेजा है इसको चला नौकरी हो जाएगा सब काम करना लेकिन मेरे पास बच्चा जरूर भेजना मजाक में नहीं लेना बात को न तो ऐसा शराब लगेगा भेल बेटा बाप ने कहेगा ठीक न भोर से शाम तक चला खड़े रहते हैं ही मेटेरियल बनाते हैं हू मेटेरियल बनाते हैं वो मेटेरियल बनाते हैं इसलिए जब भी नौकरी लगेगा मेरे पास बच्चा हर हाल में भेजना है अगल बगल में सबको कहना चल जाओ ठीक ना <laughs> कहते हैं चला गौर फरमाइएगा ताप दीप्त लैंप में वायु रहित कांच के बल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विकिरण द्वारा तापमान कम होने से रोकने के साथ साथ फिलामेंट पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से भी क्या करता है रोकता है ये कहने का मतलब यह हुआ ये चला अगर उषमा का संचरण चला हवा में तेजी से तो करता है लेकिन निर्वात में भी होता है ऐसा नहीं निर्वात में नहीं होता निर्वात में नहीं होता सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ पाता सूर्य के पास तो निर्वात है तो अगर हम लोग ये कहने का मतलब यह है कि अगर निर्वात होगा तो ऑक्सीकरण होने से बचेगा यानी जलने से बचेगा कि नहीं बचेगा मेन बात इसमें यही है बोले क्योंकि ऑक्सीकृत होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और निर्वात कर देंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं तो जलेगा नहीं फिर कहता लिंब में वायु रहित कांच के प्रयोग से धारा का संवहन रुक जाता है हम बताते हैं जो तुम्हारा डाउट है अगर चला तापदीप में यहां वायु नहीं है तो वायु का में नहीं है या निर्वात है तो उष्मा का हम पीछे भी बताए हैं उषमा का संचरण तब संवहन विधि द्वारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा संवहन विधि के द्वारा होने के लिए तो गैस ना चाहिए अब गैस नहीं है तो उषमा का संचरण नहीं हो पा रहा है संवहन विधि द्वारा अगर निर्वात है तो तो इससे बल्ब जल्दी जलेगा कि लेट से जलेगा जल्दी जल जाता है इसीलिए अब बल्ब में आर्गन या पारा भरा जाता है या नाइट्रोजन भरा जाता है देखो अगर चला फिलामेंट है और निर्वात है क्या है ये क्या है ये तो निर्वात है तो उसमें का संचरण इधर जल्दी नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा तो यही रह जाएगा तो इसको जला देगा आज जब इसमें गैस भर देंगे संवहन विधि द्वारा उष्म का संचलन हो जाएगा क्योंकि गैस में का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है बोले तो कहते हैं तापदीप्त लिंब वायु रहित कांच के प्रयोग से वायु रहित मतलब निर्वात धारा का संवहन को क्या किया जा सकता है धारा का संवहन मतलब उष्मीय धारा का धारा का संवहन मतलब उष्मीय धारा का विद्युत धारा का नहीं टंगस्टन के कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होता है टंगस्टन जो ये फिलाेंट हम लोग लगाते हैं चला एक कंपन को देखता होगा कभी कभी बल्ब हिल डोल भी जाता है तो क्या वो टूटता है अब वही कार्बन का फिलामेंट ले लोगे तो कट से जैसे शीशा टूटता वैसे टूट जाएगा टंगस्टन का सामर्थ होता है कि वो कंपन को क्या कर सके सह सके नहीं देखता बल्ब लटकल रहता है ऐसे डोलते भी रहता है हवा में तो फ्यूज होता है क्या लेकिन वही कार्बन का होगा तब क्या होगा फ्यूज हो जाएगा तो कहते हैं टंगस्टन में कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ होता है टेंटेलम का प्रयोग टंगस्टन के बदले टेंटेलम का प्रयोग लैंपों में न होने का कारण यह है कि इसका गलनांक टंगस्टन से क्या है कम किसका चला टेंटेलम का नहीं तो टेंटेलम भी चला उसमें जब प्रकाश विद्युत धारा दोगे तो वो भी उषमा देता है सॉरी प्रकाश देता है लेकिन फिर भी उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसका गलनांक कम है वो जल्दी गल जाता है बोलन तो आपको कहेगा टेंटेलम का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलनांक क्या है क्या है की दक्षता कितना ल्यूमेन? अच्छा इल्यूमिनेशन तब होगा जब प्रकाश एक समान तथा पर्याप्त होगा अगर रूम में आपको अच्छा चमक चाहिए तो एक समान प्रकाश चाहिए प्रकाश चाहिए एक समान प्रकाश तब होगा जब एक समान तथा पर्याप्त भी होना चाहिए जितना प्रकाश चाहिए उतना होना चाहिए तो उसको हम अच्छा इल्यूमिनेशन कहेंगे समान भी होना चाहिए और पर्याप्त भी कमरे का एलिमिनेशन छत और दीवार के रंग पर निर्भर करता है अभी जैसे चला व्हाइट कलर का एजुकेशन जहां भी चलता है पढ़ाई लिखाई का काम देखना दीवार को व्हाइट रखा जाता है ताकि पूरा दिखे क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचेगा लेकिन बेडरूम को व्हाइट रखा जाता है क्या चुनिया जाओगे उसमें मटमैला कलर किया जाता है ताकि लाइट कॉम रहे तुम कभी व्हाइट कमरे में लाइट जलाना और कभी मटमैला कलर में का पेंट किया हुआ उसमें लाइट जलाना दोनों में फर्क नहीं आता है बोल बोले तो इसका मतलब रूम की जो चमक है वो दीवार के रंग पर भी निर्भर करता है बोले कहते हैं कमरे का इल्यूमिनेशन मतलब चमक छत और दीवार के रंग पर निर्भर करता छाया लैम्प कौन लैंप छाया लैंप मतलब वह लैंप चला जो छाया न बनने दे वह लैंप जो छाया न बनने दे सॉरी छाया बनने दे जो छाया नहीं बनने दे जैसे तुम एक बात बताओ तुम जब दोपहर में क्या तुम्हारी छाया लंबी बनती है लेकिन भोर में जब नीचे रहेगा लैंप यानी सूरज तो छाया लंबी होगी आज जब ऊपर रहेगा लैंप यानी सूरज तो छाया छोटी होगी दोपहर में देखना था गाय दोपहर नहीं शाम में शाम में देखना गाय यहां है उसका छाया वहां तक चल जाता है नहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में छाया ना बने प्रतिबिंब बिंब का प्रतिबिंब ना बने तो आपको लाइट को ऊपर रखना समझ में आया तो कहते हैं छाया लैंप को निम्न स्तर पर लगाने के कारण होता है छाया सूरज निम्न स्तर पर कि उच्च स्तर पर निम्न स्तर पर अगर सूरज रहेगा छाया बनेगा नहीं समझ में आया लेकिन अगर उच्च स्तर पर यानी ऊपर लगाइएगा तो छाया बनेगा क्या नहीं बनेगा समझ में आया रे जो छाया बनता है लैंप को निम्न स्तर पर लगाने से कि उच्च स्तर पर या ऊपर लगा दो छाया बनेगा अभी देखो मेरा कोई छाया बन रहा है बहुत कम जहां बन रहा है पेरे के नीचे बन रहा है क्योंकि लाइट ऊपर लग रहा है पीछे बन रहा है पीछे बन नहीं रहा ये तो चला प्रतिबिंब तुम देख रहा है आईना मिरर के जैसा ही यूज हो रहा है छाया नहीं बन रहा है छाया को रोकने के उपाय कहता छोटे ल्यूमिनर्स का प्रयोग ग्लोब्स का प्रयोग अप्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग देखो तीन चीज का प्रयोग करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मेरा छाया नहीं बने घर में तो पहला तो कम वाट का बल्ब लगाएंगे जो कम रोशनी देगा तो कम रोशनी देगा छाया और बिना छाया में बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा दूसरा ग्लोब्स का प्रयोग ग्लोब मतलब वैसा बल्ब जो चारों तरफ रोशनी दे किसी एक तरफ ना दे आ तीसरा अप्रत्यक्ष प्रकाश और प्रत्यक्ष प्रकाश मतलब डायरेक्ट हमारा प्रकाश ना पड़े प्रकाश यहां पड़े और वहां से रिफ्लेक्ट हो गया मेरे ऊपर है तो कभी आप देखे होंगे यहां से प्रकाश लगाता है और यहां पड़ता है यहां से पढ़ के नीचे आता है बोलन रे आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको देखने वाले भी है कथा द्विधात्विक पट्टी पीछे ही हम बताएं आपको इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए बायोमेट्रिक स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं अरे छोटा दुई धात्विक पट्टी बोले दो धातु का प्लेट होता है जब इसको गर्म करते हैं तो अपने हट जाता है फिर जुट जाता है इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं एक जगह और कहाँ बोले थे नहीं रिले पढ़ाए थे अच्छा पिछला बैच में बोले हैं पिछले बैच में आज ही पढ़ाए है द्विधात्विक पट्टी इसीलिए दिमाग में एक होता है चला द्विधात्विक पट्टी आप आगे पढ़िएगा इलेक्ट्रिक आयरन में सेकंड चैप्टर में दो धातु की पट्टी होती है क्या होती है चला

डिप्रिसिएशन फैक्टर अवमूल्यन गुणांक लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी को दर्शाता है नामे चला अवमूल्यन अवमूल्यन मतलब कितना डिप्रेसिएशन हो रहा है जैसे आप 10 वाट का बल्ब लगाए हैं आपको नए वाट के बराबर अगर मिल रहा है रोशनी इसका मतलब डिप्रेसिएशन कितना है कितना है तो डिप्रेसिएशन फैक्टर यह बताता है कि कितना कम मिल रहा है बोलो ना कहता डिप्रेसिएशन फैक्टर लैंप में प्रकाश प्राप्त प्रकाश की कमी को दर्शाता है सी एफ एल नाम सुने हो क्या फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो बोलो क्या होता है क्या बताएगा किसको बता है बोलो कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट ले आगे पढ़ेंगे हम लोग

देवन चला जितना स्विच लगा लाल वाला जो है फेज है लाल वाला क्या है फेज देखो सारा स्विच किस में लगा हुआ फेज. फेज में लगा है फेज फेज ये दोनों स्विच देखो में है उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ कभी कभार आप देख लीजिएगा स्विच ऑन ऑफ कीजिएगा था स्पार्क होगा प्रेरण होता है ऊर्जा को स्टोर करता है प्रेरण ऊर्जा को क्या करता है स्टोर करता है तो कहता है उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ करने पर, पर स्पार्किंग होता है क्या होता है चला बहुत अधिक प्रेरण हो जाएगा प्रेरण का काम है ऊर्जा स्टोर करना आपको कभी कभी कहेगा कि बताइए स्विच ऑन ऑफ करने से स्पार्किंग क्यों होता है तो कहेंगे उच्च प्रेरण यानी ऊर्जा स्टोर हो जाने के कारण ये देखो यहां भी स्पार्किंग हो रहा है यह भी स्पार्किंग हो रहा है तो कहेंगे किसके कारण होता है चला प्रेरण के कारण प्रेरण क्या है चला जब किसी तार को क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं तो इसमें जो ऊर्जा स्टोर होता है इसी को हम प्रेरण कहते हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए खाली यह जानना है कि उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑन ऑफ करने से क्या होता है स्पार्किंग तभी ट्यूब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है जितना भी ट्यूब है चला ट्यूब जानते हो कभी इंडोस्कॉपी करवाए हो नहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानते हो जब प्रकाश जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में पूरा का पूरा लौट जाता है यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन जितना ट्यूब है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है जिससे आप प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह अनंत लंबाई तक भेज सकते हैं तो इसका उपयोग इंडोस्कॉपी में करते हैं जब प्रदीप्ति लैंप संधारित्र लगाते हैं तो शक्ति गुणांग कितना तक सुधर जाता है अस्सी परसेंट लेकिन ये चला शक्ति गुणांग के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे अगर प्रदीप्ति लैंप जल बुझ रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं बंद कीजिएगा तो तंतु फूक जाएगा यानी फिलामेंट क्या हो जाएगा जाए फिलािसन स्क्रू होल्डर देखे हो ये एडिसन प्रकार का स्क्रू होल्डर होता है इस टाइप का जिसमें इस टाइप का बल्ब लगता है लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार सर्किट ये जो चूड़ीदार सर्किट है पर न्यूट्रल तार को हमेशा लगाया जाता है कौन तार को

से नियंत्रित करता है तो फ्लैशर बल्ब में धारा का मान एक बल्ब की धारा का मान का क्या गुना होगा इसमें मतलब इसमें बीस एम्पियर होगा तभी नहीं पांच पांच एंपियर को बांटा है अब कहते हैं चला प्रकाश व्यवस्था की किस्में एक होता है डायरेक्ट लाइट डायरेक्ट लाइट हो गया मतलब सारा सब यूज होता है चला कहां पर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्ट लाइट चाहिए तभी दिखाई देगा इनडायरेक्ट लाइट यूज होता है कहाँ पर रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट वगैरह में कॉम लाइट चाहिए कि वहां लोग कैंडल लाइट डिनर करने जाता है एकदम अस्थिर से बैठ के एकदम कॉम लाइट में एक दूसरे को देख पाए लाइट जला के वो सब डिनर होता है चला लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ये सब होगा पता चला केने काटने का घोप जाएगा कहना एक होता है लाइट व्यवस्था में जो लाइट व्यवस्था चला तुम देखना अलग अलग जगह पर अलग अलग लाइट व्यवस्था जैसे डांस बार चले जाओ वहां कम लाइट होगा रेस्टोरेंट चले जाओ वहां कम लाइट होगा ऑपरेशन थिएटर में ज्यादा लाइट होगा लाइब्रेरी में ज्यादा लाइट होगा बोलो ना मोबाइल ठीक करने वाला मिस्त्री ज्यादा लाइट होगा तो सब जगह लाइट ज्यादा और कम होता है कहीं पर मीडियम होता है कहते हैं डायरेक्ट लाइट डायरेक्ट लाइट में इस विधि में बल्ब नब्बे परसेंट प्रकाश की दर लाता है नीचे दसें परसेंट प्रकाश इधर उधर जाता है एकदम डायरेक्ट यहां लगाओगे डायरेक्ट लाइट ही रहेगा कहते हैं इसे घरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है अर्ध प्रत्यक्ष अर्ध प्रत्यक्ष मतलब चला देखो ये अर्ध प्रत्यक्ष है ये जो फॉल सीलिंग है इसके अंदर में लाइट है देखे हो कभी ऐसा लाइक फॉल सीलिंग के अंदर में स्ट्रीप होता है कहता है इस विधि में 60 से 90 परसेंट प्रकाश नीचे आता है बाकी प्रकाश ऊपर ही रह जाता है बोलन दे इसको कहते हैं अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश ये चला देखो ये स्ट्रिप के अंदर में जो लाइटिंग किया हुआ है यहां ये फॉल सीलिंग है इसके अंदर में जो लाइट लगा हुआ है उसको हम अर्ध प्रत्यक्ष कहते हैं इसका प्रयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है फिर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इस विधि में प्रकाश स्रोत का 90% भाग ऊपर जाता है कितना परसेंट भाग 10% भाग ही नीचे आता है इसे सिनेमा हॉल सिनेमा हॉल में चला देखना इंटरवल में भी कम लाइट आता है डांसिंग हॉल यानी डांस बार इत्यादि जगहों पर इसका प्रयोग किया था डांस बार देखो अभी तो बिहार में तो कुछ है ही नहीं आप बाहर जाएगा तो वहां पब क्लब इस सब में क्या होता है एकदम कम रोशनी कभी तू उ देखेगा कभी ऊ तोरा देखेगा उस टाइप का रोशनी रहता है यहाँ तो सब सबको परमानेंट देख रहा है अर्ध अप्रत्यक्ष इसमें चला 60 से 90 परसेंट भाग छत की ओर परावर्तित करते हैं इसका उपयोग रेस्तरा रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर किया जाता है अब सामान्य प्रकाश व्यवस्था ये नॉर्मल प्रकाश व्यवस्था है इस विधि में प्रकाश हर दिशा में समान रूप से पहुंचता है इसे उद्यान उद्यान समझते हो गार्डन तथा अन्य सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय उपयोगिता गुणक मूल्य हास गुणांक स्थान ऊंचाई अनुपात इत्यादि पर विचार करना चाहिए सोडियम वेपर लैंप एक वर्णी प्रकाश देता है कि दो वर्णी प्रकाश देता है आ कौन सा प्रकाश देता है पीला उजला पीला रंग का प्रकाश देता है कहता है एक सर्किट में दस साइड पॉइंट रखा जाता है कितना साइड पॉइंट रखा जाता है टोटल पॉइंट जो है मैक्सिमम कितना रखा जाता है दस उससे ज्यादा नहीं रख सकते जहां बारीक काम चल रहा हो देखो ये बारीक काम चल रहा है सिलाई बुनाई का काम चल रहा है सिलाई बुनाई तो बारीक काम न है कहते हैं वहां प्रकाश कितना ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर 2000 हजार लिमेन देखो हर जगह पर हेलोजन लगल है लगल है रे क्योंकि यहां चला सिलाई बुनाई का काम चल रहा है कहता है, आई आई बोले तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के तहत बत्ती जलाने के सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ कितना वाट होना चाहिए आठ सौ से ज्यादा नहीं होना चाहिए घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट का अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग आईपी सिक्सटी फाइव जैसे चला इंडियन पिनल कोड होता है ना अलग अलग अ, अपराध के लिए वैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में भी एक होता है आईपी सिक्सटी फाइव कहता है घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग आईपी सिक्सटी फाइव या उच्च होती है यह रेटिंग बाहर लगे लाइट उपकरण की भारी वर्षा और तेज हवा के झोंके से भी संतोषप्रद दक्षता प्रदान करता है जो भी मान लो घर के बाहर जो भी लाइट लगना है उसको आईपी सिक्सटी फाइव में जितना भी रूल है उस सब रूल को फॉलो करेगा तभी कोई कंपनी घर से बाहर लगने वाले लाइट को बना सकता है इस रूल में लिखा हुआ है कितना ल्यूमिनस का होगा कौन सा मटेरियल लगाना है ताकि बरसा पानी आंधी बिहार में शॉर्ट सर्किट होके आग ना लगे फिर कहता है क्लियर क्लियर ग्लास मतलब चला एकदम साफ ग्लास जिसके आर पर दिखाई दे क्लियर ग्लास अधिकतर प्रकाश ट्रांसमिट करता है बताओ क्लियर ग्लास है सारा प्रकाश तुमको दे देगा वही ट्यूब वगैरह में आंतरिक सतह पर चला प्रतिशील पदार्थ का लेप चढ़ा होता है जैसे तुम हेलोजन देख लो हेलोजन में सारा प्रकाश तुमको मिल जाता है बहुत प्रकाश मिलता है ट्यूब में उतना प्रकाश मिलता है क्या, क्या? क्योंकि उसके आंतरिक सतह पर प्रतिशील पदार्थ का क्या लगा होता है लेप लगा होता है क्या लगा होता है तो चला क्लियर ग्लास ही क्लियर ग्लास है कि अधिकतम प्रकाश ट्रांसमिट करता है मिल्क ग्लास ये मिल्क ग्लास हो गया ये न्यूनतम प्रकाश देगा कि अधिकतम न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करता है तापदीप्त लैंप में सीआर कलर रेडरिंग होता है तापदीप्त जो होता है उसका सीआरआई सर्वाधिक होता है कलर रेडरिंग इंडेक्स ये बताता है कि किसी की भी लैंप की क्वालिटी कितनी अच्छी है ठीक है उसका सबसे अधिक होता है तापदीप्त लैंप वह लैंप जो ताप भी देता हो और प्रकाश भी देता हो जैसे बल्ब हेलोजन ट्यूबलाइट दीप्त लैंप नहीं है यह दीप्त लैंप है यह सिर्फ और सिर्फ प्रकाश देता है यह उष्मा नहीं देता मूनलाइट मूनलाइट समझते हो ना का ल्यूमिनेशन लेवल सामान्य कितना ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इस बार का एलपी का क्वेश्चन है जीरो पॉइंट थ्री ल्यूमिनस पर मीटर स्क्वायर होता है बहुत कम नहीं है चला बल्ब का भी बारह से पंद्रह ल्यूमिनस होता है कितना स पर वाट अब देखो चला तुम तो सुन लिया तुमको लगेगा इतना हमको याद रहेगा कि नहीं लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तुम बहुत आसानी से मार देगा हमको ही बताओ कि तुम बल्ब का ल्यूमिनेस बताओ ल्यू... पहले हमको ही बताओ। जो है, ये ल्यूमेन पर वाट में व्यक्त किया जाता है या वायु वायु रहित पर वाट में व्यक्त किया जाता है अब हम जे जे पूछते हैं खाली बताना जीरो वाट का जो बल्ब होता है वो कितना से कितना वाट होता है पांच से सात वाट होता है कि जीरो वाट होता है पक्का ना अब चला गौर फरमाइएगा हमको ये बताइए लैंप का जो सीआरआई होता है वो सर्वाधिक होता है सीआरआई का फुल फॉर्म क्या है फिर कहता चला मिल्क जो दुधिया ग्लास होगा वो कॉम ल्यूमिनस देगा कि ज्यादा आज जो क्लियर ग्लास होगा बहुत बढ़िया अब कहता चला जितना भी घर से बाहर में लैंप लगा ले, कौन रूल फॉलो करेगा ताकि वो भारी वर्षा आंधी बिहार से जो है वो तुमको सुरक्षा प्रदान करे फिर कहता है आईई नियम के तहत बत्ती जलाने के लिए सर्किट में अधिकतम निर्धारित लोड कितना होना चाहिए कितना वाट आज जहां बारीक काम चल रहा हो कितना जैसे तुमको बारीक काम के जगह पर दे देगा सिलाई बुनाई का काम चल रहा है पढ़ाई का काम चल रहा है तो वहां कितना ल्यूमेन पर वाट होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार तो 800 है कहते हैं एक सर्किट में कितना साइड पॉइंट होता है सोडियम लैंप प्रकाश देता है कौन रंग देता है पीला बहुत बढ़िया नियोन लैंप लाल गुलाबी कहते हैं प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय उपयोगिता गुणांक सब चीज का ध्यान रखना है कि कितना पैसा लग रहा है कितनी हमारी उपयोगिता है पता चला चला घर में रूम में तुम कहेगा ना कि एगो तो बल्ब दस वाट का पांच को लगा ही देते हैं एक दो हेलोजनो लगा देते हैं कभी कभार मान लो ज्यादा रोशनी चाहिए तो वेस्टेज ऑफ मनी ना हो जाएगा आ जहां पर घर में चाहिए चला दस वाट का बल्ब वहां तुम लगा दोगे पचास वाट का बल्ब तो लॉस हो जाएगा मूल्य का ध्यान रखना चाहिए रोशनी कितनी चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए उपयोगिता कितनी है उसका ध्यान रखना चाहिए कितना ऊंचाई पर लगा रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए कत इधर आ जाइए डायरेक्ट सामान्य प्रकाश व्यवस्था जो होती है चला घर में होता है उद्यान वगैरह में होता है सामान्य प्रकाश व्यवस्था अर्ध अप्रत्यक्ष देखो चला एक है प्रत्यक्ष एक होता अर्ध प्रत्यक्ष एक होता अप्रत्यक्ष एक होता अर्ध अप्रत्यक्ष इस सब में मामला क्या है प्रत्यक्ष में नब्बे परसेंट लाइट नीचे आएगा डायरेक्ट और दस नहीं आएगा अर्ध अप्रत्यक्ष जो अर्ध प्रत्यक्ष जो होगा वो साठ से नब्बे परसेंट के आसपास कहां जाएगा ऊपर बाकी तीस परसेंट नीचे आएगा बोले उसी तरीके से चला अप्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष में दस परसेंट लाइट नीचे आएगा आ अर्ध अप्रत्यक्ष होगा तो तीस परसेंट नीचे आएगा जैसे प्रत्यक्ष होगा तो नब्बे परसेंट नीचे आएगा अर्ध प्रत्यक्ष होगा तो तीस पर सत्तर परसेंट नीचे आएगा प्रत्यक्ष होगा तो नब्बे परसेंट नीचे आएगा डायरेक्ट आ अर्ध प्रत्यक्ष होगा तीस परसेंट साठ परसेंट नीचे आएगा तीस परसेंट ऊपर जाएगा बोले अप्रत्यक्ष होगा तो नब्बे परसेंट ऊपर जाएगा दस परसेंट नीचे आएगा आ अर्ध अप्रत्यक्ष और होगा तो तीस परसेंट नीचे आ बाकी ऊपर एक लाइन के बाद समझो डायरेक्ट में बहुत लाइट नीचे आएगा कम ऊपर जाएगा अर्ध प्रत्यक्ष जो होगा आधा प्रत्यक्ष जो होगा उसमें प्रत्यक्ष से थोड़ा कम आएगा बोलेन और अप्रत्यक्ष में जो है कॉम लाइट आएगा नीचे अर्ध अप्रत्यक्ष और में कम से थोड़ा ज्यादा आएगा नीचे बोल आज छोटे छोटे बल्बों में ये चला चार गो लरी लगल है तो फ्लैशर ये कब दस ही दस ही दस तो ये, ये, ये कितना एम्पियर चालीस एम्पियर ना एडिशन स्क्रू होल्डर का चुड़ीदार भाग न्यूट्रल दर्शाता है बोलो रे अब कहता है अगर जल बुझ रहा है तो फिलामेंट जल जाएगा आ, जब प्रदीप्ति में संधारित्र लगा देंगे कितना परसेंट पावर फैक्टर सुधरेगा अस्सी लेकिन इस पर बात करेंगे कोई भी ट्यूब है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह हंड्रेड परसेंट भेजा जा सकता है बोलो ना रे फिर कहता है अगर चला स्विच अगर जलता जलते बुझाते समय स्पार्किंग हो रहा है मतलब प्रेरण कुंडली में ऊर्जा स्टोर हो रहा है प्रेरण कुंडली क्या है जब तार को क्वाल के रूप में लपेट दिया जाता है तो वही प्रेरण कुंडली बोलो न रे ऊर्जा को क्या करता है स्टोर करता है आज स्विच कहाँ लगाएंगे एमसीबी भी फेज में लगाएंगे आ, फ्यूज भी फेज में ही लगाएंगे मैं नहीं करेगा प्रदीप्ति लैंप कर सिद्धांत पर ही करता है अब मूल्यन गुणांक बताता है कि प्रकाश कितना कम दे रहा है जैसे तुम नया वाला एलईडी लाओ प्रकाश खूब देगा धीरे धीरे एलईडी प्रकाश कम हो जाता है वही उसका डिप्रेशियशन वैल्यू है द्विधात्विक पट्टी का, का काम क्या है ऑटो कट करना द्विधात्विक पट्टू किसका बना होता है ब्रास आयरन का छाया रोकने के लिए बताओ कम ल्यूमिनस का कि ज्यादा ल्यूमिनस का ग्लोब बल्ब का प्रयोग करेंगे कि वन साइडेड और प्रत्यक्ष प्रकाश की डायरेक्ट लाइट डायरेक्ट लाइट की इनडायरेक्ट लाइट आज बताओ अगर बल्ब नीचे रहेगा तो ज्यादा छाया बनेगा अब बल्ब ऊपर रहेगा तो जैसे सूर्य की रोशनी ऊपर रहती है तो कम छाया बनता है और नीचे रहता था ज्यादा छाया बनता है बोलो रे यानी बताओ डायरेक्ट लाइट में ज्यादा छाया बनेगा कि इनडायरेक्ट लाइट में डायरेक्ट लाइट में ज्यादा छाया बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि प्रकाश ज्यादा और डायरेक्ट पड़े अब बताओ दोपहर के समय डायरेक्ट लाइट होता है कि इनडायरेक्ट हम लोग नहीं कहते दोपहर में हो डायरेक्ट मुंह पड़ रहा है नहीं कहते हैं आप सुबह और शाम के समय इनडायरेक्ट लाइट पड़ते बोलो रे छाया लैंपों के निम्न स्तर पर लगाने से होता है कि उच्च स्तर पर हा आज बताओ बल्ब की उम्र कब ज्यादा होगी जब टंगस्टन का फिलामेंट की कार्बन का आज टंगस्टन में भी टंगस्टन निर्वात की टंगस्टन गैस आ? और पारा कम दाब पर की ज्यादा दाब पर तो अगर बल्ब फूटेगा आवाज करेगा तो बाहर से अंदर हवा आएगा कि अंदर से बाहर आ? पक्का भूख से चला पेट दर्द कर रहा है इसीलिए बैठ गए अब तुम कहेगा भूख क्यों लग रहा है आपको खाना आपको नहीं मिल रहा है क्या इतना पैसा तो हम लोग दे रहे हैं चला मामला ये हो रहा है ना कि आजकल हम डाइटिंग पे हैं पेट मेरा निकल रहा है समझा दूसरा दीपक सर का क्या बोलते हैं दीपक सर आठ किलो खा के डाइटिंग आठ गो रोटी खा के डाइटिंग पे है वो आदमी के पेट भाग ले जा रहा है अब चला उनका तो बिया हो गया मन लो मैनेजेबल है पांच को दिया पुता है उनको उतना दिक्कत नहीं है अच्छा हमको कह रहे थे अरे बहुत धुर था आदमी है हम चला तुम विश्वास नहीं करेगा बोर से हम दो गो रोटी खाए हैं नहीं रे आज से छः सात को खा लिए थे आज भोर में जा देखा ले अभी चला भूख लगल है इतना ना कि बता नहीं अभी बैठ के एकदम तुम समझो कि सप्ताह में तीन दिन नहीं होता तो आज तुरा पढ़ाते नहीं है लेकिन चला पापी पेट का सवाल है पढ़ाना ही पड़ेगा हम लोग भी चला थक जाते हैं सुबह सात बजे से क्लास लो मतलब समझो कितना बजे उठो फिर रात में अभी जाएंगे नीचे अभी नीचे जाओ ना एक सौ समस्या से ग्रसित लोग हैं हम समस्या सॉल्व करते करते एक दिन अपने सॉल्व हो जाएंगे अब चला भर दिन लाइन में लगा कहेगा सौर मेरे पिताजी नहीं है रहे कोई कहेगा मेरे पापा को कैंसर हो गया कोई कहेगा हमको खून का व्यवस्था कर दीजिए कोई कहेगा हम बोले आप पढ़ाना लिखाना हम भी करवाना है और ये भी करवाना है चूंकि कोई उम्मीद लेके आता है तो कुछ तो मदद करना ही पड़ेगा कोई आता है कहता है सर हम बैग लेके चल आए हैं पापा से झगड़ा करके हम ले कहा है बोलता वीडियो देख के आप बोले हैं कि आई होगा तो नौकरी होवे करेगा हम इसीलिए सर चल आए हमको सर अपने शरण में ले लीजिए आप कितना को शरण में ले शरण भर गया है मेरे यहाँ चला मेरा मेरे फ्लोर को छोड़ के वो गेस्ट जो आएगा ना पांच फ्लोर में कहीं जगह नहीं कि वो सुतेगा ये को बेड खाली नहीं कोई बलिया से साइकिल चला के आ गया है ढेरी है कोई कुछ कोई कुछ किसी का भाई एल है अब वो बोल दिया वो कर रूम में ताला लगा लेना ऊपर वो जगह भाई ए एल पी है वो पढ़ेगा तो अपना गया, भाई के पैसा पे ऐस कर रहा है जब भाई जुती आएगा भाभी आएगी तब अभी तो जो कह रहा है मतलब चला ये तुम समझो तुम लोग पढ़ रहा है ना बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पटना में रह के पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है या ऑनलाइन ही बैठ के इकमान से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान को थैंक यू बोलिए क्योंकि पढ़ाई चलाई हथियार है ना जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि तुम सोच नहीं सकता है मतलब तुम किसी को दे पाओगे तुमको किसी से नहीं लेना तुम किसी को दे पाओगे तुमको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़े इसलिए मां शारदे को हमेशा थैंक यू बोलो ऊपर वाले को थैंक यू बोलो माँ पिताजी को थैंक यू बोलो कि मां पिताजी ने आपको पढ़ने का मौका दिया इसी में जो लोग इरेगुलर हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं वो चलाओ दुष्ट है धुर्त है उसको फिर भगवान भी माफ नहीं कर जे अपना माए बाप का नहीं वो दूसरे का होगा खूब पढ़िए और हम चला हमेशा कुछ, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई में और चार चांद लग सके अब ये मटेरियल लाए हैं उसको ले जाके पढ़िए दिक्कत होता है हमसे बात कीजिएगा फिर क्या उसका सोल्यूशन होगा हम करेंगे चला कोई तो है जो तुम्हारे दिक्कत का सॉल्व करने के लिए बैठा है कह रहा है कि सोल्व होगा हम करेंगे चला कंडीशन वही है कंडीशन ये है चला कि आप में भी हिम्मत होनी चाहिए और आप में तो हिम्मत है है चला अभी चला हमारे जितने भी गुरुजन हैं चाहे मैथ के गुरुजी हैं रीजनिंग के टीचर हैं सब लोग लगे पड़े हैं और आप विश्वास कीजिए जो बच्चे मेरे यहाँ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना ऑल सब्जेक्ट का उसका रिजल्ट उसकी मर्जी के खिलाफ भी हम दिलवाएंगे हमको जितना मेहनत करना होगा जितना टाइप का चीज लाना होगा लाएंगे पांच टका में टेस्ट करवाएंगे लेकिन हम सर करवा के ताकि बच्चा ये ना कहे कि पैसा लग रहा है और उसको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे रिजल्ट तक एक बार चला एक लॉट जैसे जाएगा ना वैसे ही चला अगला बार मेरा कोचिंग जो है और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा अभी चला ये लड़का आया देवरिया से कहा गया वो कौन भेजा है तुमको सुनील सर भेजे हैं सुनील सर क्या करते हैं टेक्नीशियन है कहां पर गोरखपुर में टेक्नीशियन है वो एक पढ़ाता है वहाँ पढ़ाता होगा बैठा के वो बिहारी है कि वो गोरखपुर का है बिहार का है और वहां गया होगा तो इसको बैठा के पढ़ाता होगा बोला कि सर आ, हम आपके चले हैं हम अपना चेला आपके पास भेज रहे हैं अब आया है बच्चा पढ़ेगा और चला हमारा जितना हो पाएगा हम ऐसे ही करेंगे और तुम लोग भी चला खूब मन लगा के पढ़ो अब नौकरी चला होगा माँ पिताजी को बता देना खाली तौर तो तबियत खराब नहीं होगा खाली तौर तो तबियत खराब नहीं हो तू घर न जाओ तो पप्पा को बता देना पप्पा आठ महीना के बाद आपका सब दुख हम ले लेंगे सब दुख ये हम थोड़ा तो सा चला प्रोमिस करते तो हमको यही छह से सात महीना मात्र टाइम दो ज्यादा देने का जरूरत नहीं पटना में चलाओ पंचवर्षीय में नहीं फंसना टेस्ट करवाएंगे ना तनी एकरा में सीखेगा तनी ओकरा में सीखेगा तनी ओकरा में सीखेगा एक दिन जाके सब उतार दे तो जब एग्जाम हॉल से निकलेगा चला हम वो लेवल का तैयारी में के जुगाड़ में है कि बच्चा एक सौ में अंठानवे क्वेश्चन मार के आए वो जुगाड़ लगाए ताकि मेरा बच्चा ना हो नहीं मैं नहीं फे क्योंकि एक चलवा चला फसल है अब यो कर तरफ मुंह ऐसे देखते हैं नजर मिलाता है एक नंबर से बैठा हुआ है पिछले तीन चार साल से और मेरे ही आंख के सामने बैठा है वही मेरे लिए चैलेंज है हम चला उसको एज ए चैलेंज लिए एक नंबर से उसके दोस्त का हो गया और उसका नहीं हुआ और एक नंबर से चला वो बच गया बच्चा जीरो मेहनत कर दे ऐसे तो एक नंबर से बैठने वाला पंचवर्षीय मेरे पास नहीं बचे तो होगा क्या एफर्ट अगर हम ऐसा लगाए इस लेवल का तो चला इस लेवल में भी लगेगा सब पार हो जाएगा ठीक ना इसलिए आप हम चला इतना करेंगे रिजल्ट हेतना पे होता है तू हेतनो कर लेगा तब पार हो जाए ठीक ना तो आप ही मत समझे पढ़ाई चला ऐसा नहीं है कि हम अभी पढ़ा दिए सब आपके दिमाग में चल जाएगा ये एक ओवरऑल कंक्लूजन है ये जो अभी आपको हम पढ़ाए ना ये एक ओवरऑल कंक्लूजन है इसी कंक्लूजन के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और तब धीरे धीरे आपके मेमोरी में ये चीजें आएंगे तब आप सफल होइए तो धीरे 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 आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी खाली चला बस भगवान से यही मनाना कि तुम्हारे खराब हो और तुम नहीं जाओ हो तो तुमको खुद करना होगा हार्डली डेडिकेटेड बनो और नहीं मन लगे तो गांधी वहां चल जाओ गंगा घाट एक बार घुमाओ उससे भी नहीं मन लगे ना चला तो कभी मन करते को सिनेमा भरवा लिए पांच टका ये सब करो कोई दिक्कत नहीं पांच टका के सिनेमा भरवा लिए देख लिए कोई वेब सीरीज बैठ के देख लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चला खाली घर नहीं जाना अब व्यवस्था से जुड़े रहो हम सब प्लान कर रहे हैं हम बैठे नहीं है चला हमको इस कोचिंग को हर हाल में दो तक में दो से तीन सेंटर तक पहुंचा देना और वो हम पहुंचा देंगे थैंक यू वेरी मच अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे